दोस्तों आज एक विशेष तरीका हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, वो मुर्रा भैंसे जहाँ पर भी है उनके लिए विशेष है। ये हमारे फौजी साहब है रिटायर्ड आर्मी, और इन्होंने जो काम किया है उसको आप देखिए, इनके काम को देखिए कि इन्होंने क्या किया है। ये इनकी भैंस है, आप बड़ा ही गौर से देखिए इसको, इन्होंने ये क्या लगा रखा है। आपने पहले भी कई बार देखा होगा, हमने भी एक दो बार जिक्र किया था इस बात का। ये देखिए, ये इनकी भैंस है, बहुत प्रेम अपनी भैंस से करते हैं, वैसे सभी पशुपालक भाई करते हैं। तो अगर आप भी अपनी भैंस से प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी भैंस के सींग कभी भी विकसित ना हो, टूटे नहीं, उसके लिए ये प्रबंध कर सकते हैं। क्या भाई भोज साहब कैसे बनाया? दो लकड़ी के देखिए, इन्होंने गोले बनाए हैं दो लकड़ी के, और ये एक साधारण सा नट यहाँ पीछे इन्होंने कस दिया। ये देखिए, बिल्कुल साधारण प्रक्रिया है, थोड़ा सा ये लंबे रह गए है ना, थोड़े छोटे होते और भी अच्छा रहता। हाँ, ये कट सकते हैं, दूसरे नट भी डाल सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। खोल जाए, बस खोल करके और फिर से कर सकते हैं। ये देखिए भाई, ये तरीका क्यों अपनाया गया है, ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, ये आपको मैं बता दूं, ये है कि दूसरी भैंसे भाई, जैसे दूसरी भैंसे भी इनके पास भी है और बाहर चर रही है, तो उनके साथ सींग ना टकराएं, सींग इसमें फंसे नहीं, इसके लिए बहुत ही शानदार तरीका है। अगर आपके पास भी मुर्रा भैंस है या आपकी भैंस के सींग अगर इस तरीके के हैं, तो भाई आप भी ये प्रबंध कर सकते हैं हमारे फौजी साहब की तरह। फौजी साहब, ये कब किया आपने ये? हमेशा ही रखूं भेजेंगे, हमेशा ही, हमेशा ही रखते हैं ये, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप भी अपना सकते हैं और अपनी भैंसों के सींगों को सुरक्षित कर सकते हैं भाई।